भारत डायनेमिक्स, यह है पहला स्टॉक। पुणे से पांडुरंगची का सवाल है, उनके पास है 32 शेयर, 428 रुपए में इन्होंने से खरीदा है, लॉस हो रहा है। Well, बहुत नुकसान बैठे हुए हैं, लेकिन लगता है अब यहाँ पर थोड़ा होल्ड करना चाहिए। लगता है कि बार डायनेमिक्स में लो लेवल से सपोर्ट है, एक लेवल देता हूँ उस पर ध्यान दीजिए 390। एक बार 390 क्रॉस हो जाएगा थोड़ी आपको फिर थोड़ा लगेगा कि ठीक है अब वो है यहाँ पर, लेकिन थोड़ी दिक्कत है यहाँ पर लो लेवल्स में। IDFC बैंक गाजियाबाद से मुरारी लाल जी का सवाल है, 5000 शेयर होल्ड करते हैं, 60 रुपए इनकी बाइंग प्राइस रही है, पर शेयर 15 रुपए का नुकसान उठा रहे हैं। अब तो होल्ड करना चाहिए, 55 और 60 का जोन देखेगा, इनकी कॉस्ट 60 के आसपास जरूर मिल सकते हैं, होल्ड कीजिए। आपको अपनी कॉस्ट मिलेगी 60 के आसपास, होल्ड करना चाहिए। मॉनेट इस्पात, सिक्किम से जिगमत का सवाल है, मॉनेट इस्पात पर 1000 शेयर हैं प्रकाश जी इनके पास, 35 रुपए 65 पैसे के भाव पर खरीदा था, काफी नीचे आ चुका है मॉनेट इस्पात, एग्जिट वीक स्ट्रक्चर, निकल जाना चाहिए। ठीक है, सो आपको लॉस भुगतना ही पड़ेगा, निकल जाइए, सेल कीजिए। ट्राइडेंट पर सवाल है अजमेर से नितिन का, 134 शेयर है, बाइंग प्राइस 69, होल्ड करना चाहिए मुझे लगता है कुछ 70, 80, 85, 90, ये एक जोन है वो देख सकते हैं आप, थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए लेकिन होल्ड कीजिए। मैक्लॉड रसल, हेमंत वोरा होल्ड करते हैं मैक्लॉड रसल के, कुल 288 शेयर, 197 रुपए 20 पैसे की खरीद रही है, होल्ड करना चाहिए मैक्लॉड रसल, मुझे लगता है कि 180-200 का जोन है वहां तक जरूर जाएगा, थोड़ी अब दिक्कत है लेकिन अब मुंह मिलेगा यहाँ पर। CDSL बड़ौदा से सुधीर जैन के पास है, 40 शेयर 373 रुपए में खरीदा था इन्होंने, अब काफी ऊंची खरीद रही है इनकी, नुकसान हो रहा है अच्छा खासा, होल्ड करना पड़ेगा इनको क्योंकि वक्त लगेगा इसके लिए, अब ऐसी जगह पर है शायद यहाँ से एक बाउंस मिले CDSL। हिसार से जतिन का सवाल है, PC ज्वेलर्स पर 1000 शेयर होल्ड करते हैं, 525 रुपए में इन्होंने खरीदा है, ऑलमोस्ट जितना इन्होंने काफी पैसे गवा दिए इसमें, 500 का 100 देखा, होप में बैठे थे कि शायद एक अप्पू मिलेगा, होप मार्केट में काम नहीं करता, डिमांड से प्राइस ऊपर जाता है, होप से नहीं, तो एग्जिट कर लीजिए। टाटा मोटर्स, अश्विन दर्जी का सवाल है, ये 400 शेयर होल्ड करते हैं, इन्होंने से 323 के लेवल्स पर खरीदा है, मैं कहूंगा इतना उन्होंने महंगा लिया है कोई बात नहीं, अब ये जगह बेचने की नहीं है, 246 टाटा मोटर ने बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, अगर यहाँ संभल जाता है तो जगह इतनी अच्छी है कि यहीं से संभल सकता है, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो 195 भी देखेंगे, तो फिलहाल ये जगह बेचने की नहीं है, लॉस बुक करने के लिए चाहिए नहीं है, यहाँ पर होल्ड कीजिए, एड मत कीजिएगा लेकिन होल्ड जरूर कीजिए। जेट एयरवेज, चर्चा काफी है अभी, आप यहाँ पर बात हो रही है कि जेट प्रिविलेज को जो है वो बेच करके कंपनी जो है निकलने की कोशिश करी इस तरह, अभी जिस तरह की क्राइसिस है, अंकुर चोपड़ा होल्ड करते हैं जेट एयरवेज, इन्होंने इसे 323 के लेवल्स पर खरीदा है, लॉस हम देख रहे हैं 31 रुपए 20 पैसे पर शेयर, ज्यादा नहीं है, बुक कर लीजिए या फिर स्टॉप लगाइए 269 का। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा लॉस नहीं हो रहा, या तो निकल जाइए और रहना है तो उसमें स्टॉप लॉस लगाइएगा। और M&M का स्टॉक है अभय खुदालकर के पास, 936 रुपए में खरीदा इन्होंने, 10 शेयर होल्ड करते हैं इसको, ये स्टॉक को होल्ड भी करना चाहिए, होल्ड भी करना चाहिए मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए, डिप्स मिलती है तो उसका एडवांटेज लेकर होल्ड कीजिए, पहला लक्ष्य है मुझे 1000 का लगता है, और एक बार 1000 पार कर लेगा तो महिंद्रा में और अच्छी तेजी देखेंगे, SIB भी कर सकते हैं करना चाहे तो, होल्ड कीजिए। BPCL किरण देसाई जानना चाहते हैं क्या करें, 393 रुपए 70 पैसे में 100 शेयर खरीदे हैं BPCL के, वक्त लगेगा 415 का जोन देखने को मिलेगा इनको, होल्ड करना चाहिए, इसमें लॉस बुक नहीं करना चाहिए। अपोलो टायर्स मुंबई से आदित्य का सवाल, 300 शेयर है, 289 इनकी बाइंग प्राइस, इसमें भी घबराना नहीं चाहिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉजिटिव है, अब कंसोलिडेशन मोड पर है, थोड़ा डिप देख सकते हैं, डिप्स करीब 250 भी आ सकता है, 245 भी आ सकता है, उस टिप्स का एडवांटेज लेकर ऐड कीजिए और लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म होल्ड कीजिए। बर्जर पेंट्स कोलकाता से अजय होल्ड करते हैं, 300 शेयर 327 रुपए 50 पैसे की खरीद है, ये भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए और अपना वक्त नजरिया लंबा कर दीजिए, ऐसे स्टॉक बहुत कम मिलते हैं, होल्ड कीजिए।
और अगला सवाल एलएनजी फाइनेंस पर, जमशेदपुर से विपिन दुबे, इनके पास है 150 शेयर, 205 रुपए की खरीद रही है। यहाँ पर तो ऐड करना चाहिए क्योंकि लगता है लोअर लेवल्स में जो सपोर्ट मिला है 150-160 पे, ये जगह ऐड करने की है। आपके पास है, होल्ड कीजिए, ऐड कीजिए, बेचिए, जो ऐड करें उसको 200 में बेचिएगा। ठीक है, और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में